जय हिंद दोस्तों, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं एक नए सेशन में मैथ्स बिहार यूट्यूब चैनल पर। हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में टाइप वन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 67 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज उससे आगे कंटिन्यू करना है। अब आपको पीछे के सेशन आपने अगर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर लिंक, हालांकि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे रखा है, वहां से भी आप प्लेलिस्ट में जाकर इस सेशन को देखने के बाद से आप उन सारे वीडियो को भी जरूर देख लेंगे, जिससे कि आपको एक क्लियर कट कंसेप्ट समझ में आए। कंप्लीट हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, एसीएससी किरण मैथमेटिक्स 11000 प्लस जो किरण पब्लिकेशन का नया बुक आया है उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं कंसेप्ट के साथ। जहां पर भी नीड होती है कंसेप्ट की, वहां पर हम लोग कंसेप्ट भी सीखते हैं। चलिए सिलसिला को, सेशन को शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लिए थे 67। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 67 लगाया था। 67 नंबर सवाल हम लोग ने किया था। 67 के आगे क्वेश्चन नंबर 68 देखना है। इस वाले सेशन में 68 से कंटिन्यू करना है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन दिखेगा आपको स्क्रीन पर। ए और बी एक ही समय क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं। देखिए एक्स और वाई दो स्थान हो गए, और यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से ए और बी एक दूसरे की ओर, ए इधर तो बी इधर, इस दिशा में बढ़ते हुए चलते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। ए की जो चाल है बी की चाल से 20% अधिक है। कितना अधिक है? 20%। कितना अधिक बोला है? 20%। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में 2.5 घंटे और एक्स घंटे का समय लगता है। एक्स का मान पूछा है। जब ये एक दूसरे का अपोजिट चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे का अपोजिट चलेंगे तो रास्ते में कहीं ना कहीं मिलेंगे। अब हम मान लेते हैं कि ये इस पॉइंट पे, यहां पे दोनों मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं मिलेंगे। वो कहां पर मिलेंगे हमें पता नहीं है। हमने मान लिया कि ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, हमने मान लिया। यहां पर मिलने के बाद, यहां पर ए और बी मिल गए, यहां पर मिलने के बाद चूंकि ए इधर चला था तो अब यहां से इसको इधर जाना है। क्लियर? ए को इधर जाना है, ए को इधर जाना है, और बी इस दिशा में चला था, इस डायरेक्शन में, तो अब मिलने के बाद यहां से उसे यहां पे आना है, इधर इधर। ए को इधर जाना है, बी को इधर आना है, बी को इधर आना है। तो यहां से ए को इधर आने में यहां तक कुछ टाइम लगेगा, लगेगा ना, कुछ टाइम लगेगा। आप वो बताओ टाइम कितना दिया है। तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आप देख लीजिए, मिलने के बाद ए को लगता है 2.5 घंटे का समय, अपने गंतव्य पर पहुंचने में ए को कितना समय लगा? 2.5 घंटे का समय लगा। बी को कितना लगा? बी यहां पर दोनों मिले और मिलने के बाद बी को लगता है 1 घंटे का समय, कहां पर पहुंचने में? एक्स तक। कहां से? तो मिलने के बाद, मतलब यहां से यहां तक बी को आने में कितना घंटा लगा? 1 घंटे का समय, ऐसा बोला है। एक्स का मान आपसे पूछा गया है। जहां तक हम चाल की बात करें तो चाल जो है ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। जब बात प्रतिशत की हो तो आप 100 पर सोचोगे। किस पर सोचोगे? 100 पर। जब भी बात परसेंटेज की आए, प्रतिशत की कही जाए, तो आप किस पर सोचोगे? 100 पर। किस पर सोचना है? 100 पे सोचना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जब बात प्रतिशत की हो, प्रतिशत अधिक बोले, प्रतिशत कम बोले, किस पर सोचोगे आप? 100 पे। तो किसकी चाल ज्यादा है बताओ? किसकी चाल ज्यादा है? ए की चाल ज्यादा है। किससे ज्यादा है? तो बी से ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है? तो 20% ज्यादा है। तो अगर हम लोग कुछ देर के लिए बी की चाल को मान लेते हैं 100 किलोमीटर पर आवर, हमने मान लिया, अपने से मान लिया 100 हमने मान लिया, तो बताओ ए की चाल कितना होगा? तो 120 किलोमीटर पर आवर। ऐसे भी आप कर सकते हो, एकदम हमने आपको आराम से समझाने की कोशिश की है।
बी की चाल को अगर आप 100 मानोगे तो ए की चाल कितनी होगी, 120 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 20% ज्यादा है किसका चाल, ए का चाल, किसके तुलना में, तो बी के तुलना में। ठीक है, तो अब आप एक बात आप सुन लो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, व्यक्ति कैसे चलते हैं, एक दूसरे के विपरीत, और रास्ते में मिलते हैं, किसी न किसी पॉइंट पर मिलते हैं, मिलने के बाद अपने टारगेट पर पहुंचने में, टारगेट पर पहुंचने में कितना कितना समय लेते हैं वो दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला हमने पीछे भी बताया था, अभी भी फिर बता रहे हैं कि आप क्या कीजिएगा कि इसमें से किसी एक के चाल को आप S1 मान लीजिए। जैसे एक की चाल को हम ए, हमने इसके पहले क्या बोला था, किसी एक एक, जैसे दो लोग हैं ना ए और बी, इसमें किसी एक एक, तो हमने एक की चाल को हम क्या मान लिए, S1 मान लिए, S1, और इसको मान लीजिए बी के चाल को S2 मान लीजिए। अब जब एक की चाल को S1 मानेंगे तो एक के समय को हम मान लेंगे T1, बी के समय को हम क्या मान लेंगे T2, ये हमने T2 मान लिया। और अब यहां पर हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, S1 बाई S2 बराबर रूट अंडर T2 बाई क्या, T1, इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है। अब यहां पर आप क्या कीजिए कि आप मान को रख दीजिए, मान को रखेंगे तो देखिए S1 का मान कितना है तो 120 है, S2 का मान कितना है तो 100 है, और रूट अंडर T2 बाई T1, T2 का मान देखो कितना है x, T2 का मान क्या है x है, और T1 अगर आप देखेंगे 2 × 4 और कितना होगा ये 5, और बट्टे में 2 होगा, बट्टे में क्या होगा 2 हो जाएगा। अब इसे स्क्वायर रूट को इधर लाओगे, अच्छा यहां से हम काट के छोटा कर सकते हैं ना, 20 × 25 = 100 और 20 × 6 = 120। स्क्वायर रूट को इधर से हटाओगे, इसका सिंपल सा तरीका है कि आप दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो। जब भी रूट को हटाना है तो आप क्या कर दो, बराबर के दोनों साइड स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो, रूट हट जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा, तो जब हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो अब इधर हो जाएगा 36 × 6² और नीचे क्या हो जाएगा 25, इधर से क्या हो जाएगा तो स्क्वायर, क्योंकि हमने किया है तो स्क्वायर से इधर रूट हट जाएगा, क्या हटेगा, रूट हट जाएगा, तो अब यहां पर बच जाएगा x, और ये जो 2 है ये चूंकि सबसे नीचे है सबसे ऊपर जाएगा तो इंटू में 2 हो गया, और उसके नीचे देखो ये मेन बट्टा है, मेन बट्टा है, इसके नीचे क्या आया था 5/2 आया था, तो 2 तो ऊपर चला गया, बचा कौन, तो यहां पर बचेगा 5। अब इसको हल करोगे तो 5 से काटोगे तो 5 बार में, 2 से काटोगे तो 18 बार में, और 18 में 5 से भाग करना है तो 5 से भाग करोगे, 5 × 3 = 15, फिर 3 बचेगा, 3 × 0 आ जाएगा 30, तो 5 × 6 = 30, मतलब x का मान कितना आ गया 3.6, 3. आपको 6 आएगा, यही आपसे पूछा था, हालांकि ऐसे आपसे नहीं पूछा है, दशमलव में आपसे ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे कि आप भाग करके पूर्णांक में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे अगर आपको 18 में 5 से भाग करेंगे यहाँ पे तो 3 × 5 = 15, या फिर 5 × 3 = 15 हो जाएगा, बचेगा 3, तो अब 3 ऊपर और 5 हम नीचे डाल देंगे, और ये किसका मान है, x का मान है, यही आपसे पूछा था। ऑप्शन देखोगे इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन बनेगा 3, तीसरा इसी क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो ये आपका एक समझिए कि टाइप है, और इस टाइप के प्रश्न आपको जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने अभी तक टाइप 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइप 1 में हमको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन हमने 3-4 देखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो इस टाइप को अपने माइंड में बैठा लीजिए। हमने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, अच्छे से सिखाने का प्रयास किया है, उम्मीद है, आशा है कि आप समझ भी पाए होंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 68, 68 नंबर सवाल, हमने समय देकर आपको एकदम सिखाने का प्रयास किया है। क्लियर, समय देकर हमने आपको सिखाने का प्रयास किया है, उम्मीद है आप सीख भी पाए होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये था आपका 68, 68 के बाद से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर ये 69, 69 में क्या बोल रहा है, करें कि 2 धावक क्रमशः 10 मीटर प्रति मिनट और 120 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ते हैं,
अगर दूसरा धावक पूरी दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है तो दौड़ कितनी लंबी है। अच्छा देखो यहाँ पे दो धावक हैं तो एक की चाल आपको 120 मीटर प्रति मिनट है और दूसरे की चाल आपको 10 मीटर प्रति मिनट, ये कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुआ है, क्वेश्चन को छापने में गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर आपको चाल जो है पहले वाली धावक की वो 100 होनी चाहिए, 100 मीटर प्रति मिनट, 100 मीटर प्रति मिनट पहले धावक की चाल है और दूसरे धावक की चाल आपका 120 मीटर प्रति मिनट है, जबकि क्वेश्चन में आपको बाय मिस्टेक 10 मीटर प्रति मिनट छप गया है। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर हम 69 आपको बता रहे हैं, उसमें करेक्शन बस ये करना है कि जहां पे 10 मीटर प्रति मिनट चाल दिया है वहां पे आपको समझना है कि वो 100 है, छापने में गड़बड़ी हो गया। अब इस सवाल को करना है तो कह रहा है कि देखिए धावक है, दो धावक दोनों की स्पीड दे रखा है और अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो बोला है कि दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि दौड़ फिक्स हो गया, दो धावक हैं तो ऐसा थोड़े कहा जाएगा कि भाई आपको ज़्यादा दूर जाना है और आपको कम दूर जाना है। जब दो धावक है दो लोगों के बीच कंपटीशन हो रहा है तो दोनों के लिए दूरी क्या रहेगी, सेम रहेगी, दोनों जो है एक ही जगह से दौड़ना शुरू करेंगे और दोनों को पहुंचना रहेगा एक ही जगह पे। आप लोग अगर डिफेंस का कोई एग्जाम क्रैक करने के बाद से अगर फिजिकल वगैरह में जाते होंगे या फिर आप फिजिकल में गए होंगे, फिजिकल टेस्ट जो आपका होता है PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो उसमें आपको पता है कि शुरुआत तो एक ही जगह से करनी होती है और पहुंचना भी एक ही जगह पर होता है। तो जब शुरुआत भी एक ही जगह से पहुंचना भी एक ही जगह है तो दोनों व्यक्ति के लिए मतलब जितने धावक हैं उन सबके लिए तय किया गया दूरी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया, दूरी सेम हो गया। और एक बहुत ही प्यारा सा आपको कंसेप्ट सिखाए थे कि जब भी ध्यान दीजिएगा जब भी आपका दूरी सेम हो जाए डिस्टेंस क्या हो जाए, नियत, जब भी दूरी क्या हो जाए, नियत हो जाए। नियत मतलब कि दूरी आपको फिक्स हो जाए, फिक्स यानी कि दूरी में कोई बदलाव नहीं करना हो, दूरी में कोई बदलाव आपको अगर नहीं करना हो तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वैसे कंडीशन में जो स्पीड का रेशियो होगा, जो चाल का रेशियो होगा, उसका उल्टा समय का रेशियो होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में चाल की बात करें तो एक धावक की चाल 100 मीटर प्रति मिनट है, दूसरे धावक की चाल 120 मीटर प्रति मिनट है। अब अगर आप रेशियो लेंगे यहां से तो 20-25-100 आएगा और ये 20-120 आ जाएगा, तो चाल का रेशियो आ जाएगा 5:6। और जब चाल का रेशियो 5:6 का होगा, दूरी चूंकि दोनों धावक के लिए बराबर है तो जब दूरी बराबर है मतलब दूरी फिक्स हो गया या फिर नियत हो गया, तो जो समय का रेशियो आएगा, टाइम का जो रेशियो आएगा, वो चाल का ठीक उल्टा होगा। तो 5:6 चाल है तो समय होगा 6:5, 5:6 चाल है तो समय का रेशियो क्या होगा, 6:5 हो जाएगा। क्लियर। अब आपसे बोला है, अच्छा देखिए ये जो हम लिखे हैं ना पहला, ये पहले धावक की बात कर रहा है और ये जो है ये दूसरे धावक के लिए बात हो रहा है। आपसे क्वेश्चन में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है। तो आप यहां से देखिएगा, दूसरा धावक आपको 5 यूनिट का समय ले रहा है जबकि पहला वाला 6 यूनिट, तो दूसरा धावक पहले से कितना यूनिट कम, 1, लेकिन क्वेश्चन से देखें तो कितना मिनट कम, 10 मिनट। क्लियर। तो ये 10 मिनट कम है ना, तो नीचे भी हम लोग कम ही रखेंगे। किसका ये 10 मिनट कम है, तो दूसरे वाले का। अगर हम यहां से देखें तो दूसरा वाला पहले से कितना कम लेता है, तो 1। 1 कहां से आया, तो 6 में से हमने क्या किया, 5 को घटा दिया, तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई दूसरा वाला पहले वाले से कितना कम लिया, तो 1 कम लिया। रियल में कितना कम ले रहा है, तो 10 मिनट ले रहा है। अब जिसका समय निकालना हो उससे गुणा कर देंगे, जिसका समय निकालना हो उससे गुणा कर देंगे। तो आपसे अगर पहले धावक का समय निकालना हो, हालांकि इस क्वेश्चन में समय नहीं पूछा, आपसे दूरी पूछा गया, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, पहले हम समय निकाल लेंगे। तो हम करते क्या है, दूसरे धावक का समय निकाल लेते हैं। तो दूसरे धावक का समय किस पर निकालेंगे, देखिए ये तो ऊपर जो हम लिखे हैं, ऊपर जो लिखे हैं तो स्पीड है ना, हमको समय की बात करनी है फिलहाल।
तो समय अगर हम दूसरे धावक की बात करें तो कितना पे निकलेगा, तो 5 पे निकलेगा। तो इसमें हम किस से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 से गुणा कर दीजिए। तो ये 10/25 कितना हो जाएगा, 50 मिनट, यानी कि दूसरा धावक 50 मिनट का समय लिया है पूरे दौड़ में, पूरे दौड़ में, पूरे दौड़ की जो प्रक्रिया हुई है इसमें 50 मिनट का समय लिया है। लेकिन हमसे समय नहीं पूछा है, हमसे पूछा गया है दूरी, डिस्टेंस, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। आपको पता है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो चाल, चूंकि दूसरे धावक की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम समय किसका निकाले हैं, दूसरे धावक का, तो चाल भी किसका रखेंगे, दूसरे धावक का। तो चाल की बात करें दूसरे धावक की, तो वो 120 मीटर प्रति मिनट है, ये चाल हो गया, और इनटू में समय, समय ना, तो दूसरे धावक का समय कितना है, 50 मिनट है, तो इनटू में 50 कर दिए, मिनट से मिनट कट गया। अब इसको हल कर देंगे तो 12/25 कितना आएगा, 60, और इस पे 2 जीरो और आ जाएगा, और ये किस में रहेगा, मीटर में रहेगा, यानी कि 6000 मीटर, 6000 मीटर दूरी आएगी, और 6000 मीटर का मतलब होता है 6 किलोमीटर। तो इस पूरे यात्रा के दौरान, इस पूरे दौड़ की प्रतिस्पर्धा में, पूरे दौड़ में दूरी कितनी थी, तो 6 किलोमीटर थी, ठीक है, 6 किलोमीटर थी। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल, हमने एक एक वर्ड समझाकर और तब आपको बताया है, ठीक है, इसको आप सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपने चीजों को समझ लिया है तो आपको समझने के बाद इसको आप सॉर्ट कर सकते हैं। हमने क्या किया है कि थोड़ा सा हमने इसको डिटेल किया है कि आप एक एक बात को समझ सकें, एक एक चीज को इसमें समझ सकें। आशा है कि आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर था ये 69। आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे कि भाई आपको जो है समझ आया या नहीं आया, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 69 था। 69 के बाद से अगले सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल क्वेश्चन जो है वो 70 है, 70 नंबर, क्लियर, 70 नंबर सवाल है, आइए समझते हैं। बोला कि स्थान ए से स्थान बी की दूरी 144 किलोमीटर है। देखिए दो स्थान की बात कर रहा है, एक तो ए है और दूसरे स्थान का नाम बी है। दोनों स्थानों के बीच की जो दूरी है, अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो वो 144 किलोमीटर दे रखा है। अब फिर आगे कह रहा है, आगे आप इसमें देखिए आपसे आगे क्या बोला है, तो आगे आपसे ये कह रहा है कि दो कारें एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं, एक ए से और दूसरी बी से। समझिएगा, दो कारें हैं, एक ए से चल रही है और एक बी से, एक ही साथ, एक ही साथ बोला है, मतलब कि समय क्या है, तो समय आपका समान है, समय क्या है, समान है, चलने का समय क्या हो गया, समान हो गया, एक ही साथ आपसे बोला गया, दो कारें हैं। आगे बोला है कि यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 12 घंटे बाद मिलती हैं। समझिएगा, कहने का मतलब यह है कि ए से चलने वाली कार भी अगर इसी दिशा में जाए, इस दिशा में जाए, बी से चलने वाली कार भी इसी दिशा में जाए, मतलब कि जिस दिशा में ए से कार चल रही है, ए एक स्थान है, वहां से जो कार चल रही है उसी दिशा में स्थान बी से चलने वाली कार भी उसी दिशा में जाए, तो अब जाहिर सी बात है कि जब एक ही दिशा में जाएंगे, सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो वैसे कंडीशन में कहीं ना कहीं वो मिलेंगे। तो कितने समय के बाद मिलेंगे, ये आपसे बोला हुआ है, दिया हुआ है कि वो एक ही दिशा में चलती हैं तो 12 घंटे बाद मिलती हैं, ठीक है। यहां पर मिलने का जो समय है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 घंटा दिया है, 12 घंटा, एक ही दिशा में चलती हैं तो मिलने का समय कितना है, 12 घंटा है। अब बोला है कि यदि वे एक ही दिशा में चलती है तो 12 घंटा, लेकिन यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, अच्छे एक दूसरे की ओर, ये तो आपका पहला कंडीशन हो गया। अब इसमें दूसरा कंडीशन देखिए क्या दिया है, कि ये हो गई ए से चलने वाली कार और ये हो गई बी से चलने वाली कार। अगर ये एक दूसरे की ओर बढ़ती है, मतलब ए से चलने वाली कार इधर और बी से चलने वाली कार इधर, ये इधर जाए और ये इधर आए, इधर, तो ये अब इसको क्या बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे कि ये एक दूसरे की ओर आ रही हैं। एक दूसरे की ओर बढ़ने का मतलब सिंपल सा है कि वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक दूसरे की ओर का मतलब एक दूसरे के विपरीत, अपोजिट, ये इधर तो ये इधर। अगर ये ऐसे चलेंगी तो भी रास्ते में वो मिलेंगे,
तो मिलेंगी तो कुछ समय के बाद मिलेंगी, मतलब मिलने में आपको समय लगेगा। तो उस समय दे रखा है कितना घंटा, तो 9/2, देखिए यहां पर भी टाइम दिया है कितना घंटा, तो 9/8 घंटे का समय यहां पर भी आपको दे रखा है। क्लियर। आपसे पूछा है कि आप ये बताइए कि तेज चलने वाली कार की चाल वास्तविक चाल कितनी है, आप हमें बता दीजिए, तेज चलने वाली कार की वास्तविक चाल बता दीजिए। क्लियर। तो आपको हम एक बात सिखाने जा रहे हैं, समझिएगा, यहां पे लगेगा रिलेटिव स्पीड, यहां पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा, सापेक्ष चाल का कंसेप्ट लगेगा। रिलेटिव स्पीड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल का मतलब होता है कि दो चालों के बदले में, सुन लीजिए ध्यान से, दो चालों के बदले में एक चाल यूज करना सापेक्ष चाल होता है। सापेक्ष चाल हम लोग निकालते कैसे हैं, तो सापेक्ष चाल निकालने का तरीका है कि अगर दिशा, ध्यान दीजिएगा, दिशा अगर क्या हो, दिशा अगर समान हो, दिशा समान होने का मतलब क्या हो गया कि अगर दो वाहन है, दो व्यक्ति है, दो कार है, दो कुछ भी है, अगर वो एक ही दिशा में जा रही है, पहला वाहन जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में दूसरा वाहन भी जा रही है, तो वहां पे जब हम सापेक्ष चाल निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड, आरएस मतलब रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, मतलब कि दो चालों के बदले में एक चाल निकालते हैं, अर्थात दो चाल को जब हम एक चाल में कन्वर्ट करते हैं, दिशा समान होता है तो वहां पे लेते हैं हम चालों का अंतर। क्या लेते हैं? चालों का अंतर। क्या लेंगे हम लोग? चालों का अंतर। और अगर दिशा क्या रहे, दिशा दिशा विपरीत हो, दिशा क्या हो, विपरीत हो, तो वहां पे हम लोग लेते हैं रिलेटिव स्पीड आर। इसका मतलब क्या हो गया? आर फोर रिलेटिव सापेक्ष और एस फोर स्पीड। तो वहां पे हम लेते हैं चालों का योग। क्या लेंगे? चालों का योग लेंगे। कब? तो जब हमें दिशा विपरीत हो, क्या निकालना हो, सापेक्ष चाल मतलब कि दो चालों के बदले में एक चाल निकालना हो तब। ठीक है। तो अब दोनों कारों का चाल कुछ ना कुछ होगा लेकिन हमें नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि ए से चलने वाली जो कार है उसकी जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर है, और बी से चलने वाली जो कार है उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, हमने कुछ देर के लिए मान लिया। क्लियर। तो पहले वाले केस में क्या था कि दोनों कार एक दूसरे के दिशा में जा रही थी, तो जब दिशा एक दूसरे मतलब कि सेम डायरेक्शन हो गया, दिशा आपका एक ही हो गया, तो दिशा समान हो तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं? रिलेटिव स्पीड का मतलब है दो चालों के बजाय हम एक ही चाल यूज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे सापेक्ष चाल। कैसे वो निकलेगा? तो निकलेगा चालों का अंतर, मतलब चालों को घटा करके। तो अब हम यहां पर निकालते हैं तो हम मान लेते हैं कि एक्स बड़ा है किससे? वाई से। तो जब हम चालों का अंतर लेंगे तब आपको निकलेगा रिलेटिव स्पीड। और ये कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा? तो दूरी में हमको करना पड़ेगा किससे भाग। देखो ये तो चाल हो गया ना, ये क्या हो गया? चाल हो गया। और चाल निकलेगा, चाल चाल के बराबर होगा ना, तो दूरी तो दोनों स्थानों के बीच की 144 से, और इस दूरी में हमने किससे भाग कर दिया? समय से, जो कितना दे रखा है? 12 घंटा। देखिए दोनों जगहों के बीच, दोनों स्थानों के बीच दूरी 144 से, समय कितना है? 12 घंटा, भाग कर दिया हमने, तो 12/2 कितना आ गया? 144, यानी कि x माइनस वाई का मान आपको आ गया 12। x माइनस वाई का मान कितना आ गया? 12 आ गया। समीकरण ये फर्स्ट हो गया, पहला। इसी प्रकार से जब दिशा आपका अपोजिट होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा, तो यहां पे सापेक्ष चाल जब निकालेंगे तो सापेक्ष चाल कैसे निकलेगा? चालों का योग। चालों का योग का मतलब क्या हो गया कि x प्लस क्या? वाई। तो ये हो गया सापेक्ष चाल। और चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी आपका 144 है, और जब एक दूसरे का अपोजिट जब चल रही हैं तो उनका समय कितना है? 9/8। तो फिर आपको बट्टे में 9/8 हो जाएगा, ये आपका किलोमीटर है जबकि ये आपका ये आवर से समय है, घंटा है। अब इसको हल करते हैं तो देखिए आपको घटेगा 16/9, और चूंकि 8 सबसे नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 16 × 8, 16/8 = 128। ठीक है। तो ये हो गया समीकरण कौन सा? तो दूसरा हो गया समीकरण, ये सेकेंड हो गया। अब यहां पे देख लीजिए कि x माइनस वाई का मान 12 है, x प्लस वाई का मान 28 है। तो अब हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरण को ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जैसे कि पता है कि जब हम जोड़ेंगे तो साइन चेंज नहीं होता है, साइन आपको घटाने पर चेंज होता है। तो हम जोड़ दिए,
y से y कट गया तो 100 और x कितना x होगा, तो 2x हो जाएगा। और इधर अगर आप देखेंगे तो 128 और 12 चूंकि जोड़े हैं तो जोड़ने पर 140 आएगा, तो इसलिए काटेंगे तो कटेगा 2 से 70 बार में, तो x बराबर ये 70 आ गया। और x क्या है, तो x स्थान a से चलने वाली कार की या फिर वाहन की या फिर गाड़ी की स्पीड है, तो x का मान आपका 70 किलोमीटर पर आवर आ गया। क्लियर, 70 किलोमीटर पर आवर आ गया। आपसे पूछा क्या था, तो आपसे पूछा यह था कि आप बताइए तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है। तो चूंकि x में से y घटाए हैं, इसका मतलब x बड़ा है, बड़ा में से छोटा घटाते हैं ना, तो x बड़ा है और x ही का मान 70 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे तेज वाहन है, वाहन मतलब कि यहां पर कार है, उसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, तो हमने इसमें कंसेप्ट को भी समझाया, इस क्वेश्चन में हमने समय दिया, कंसेप्ट को भी समझाया, साथ में तरीका भी सिखाया। आशा है, उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। क्वेश्चन नंबर था ये 70। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, 70 नंबर क्वेश्चन को हमने अभी देखा है। 70 के बाद से अब आज ये क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। 71 में क्या कहानी है, 71 नंबर। अब देखो भाई, विस्तार से समझाने में थोड़ा समय लगता है, वक्त लगता है। कुछ बच्चे अब वो फिर कमेंट करेंगे कि सर आप एक क्वेश्चन को बनाने में इतना समय लगा रहे हैं, तो अब एक क्वेश्चन को हम फटाक से तो बता ही देंगे आपको, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिनको सीखना है, वो सीख नहीं पाएंगे। तो अब उन बच्चों को भी ध्यान में रखना है, और जो लोग पढ़ चुके हैं, जो जानते हैं कि सवाल कैसे बनाना है लेकिन उनको शॉर्ट तरीका नहीं पता, अब उनको भी ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है कि एक एक कैटेगरी के छात्र को पकड़िए, मतलब कि उनको ध्यान में रखिए, तो दूसरे वाले नाराज हो जाते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हमने समय दिया है, समय इसलिए दिए हैं कि आप सीख लीजिए कि सवाल ही बने कैसे, तो परेशान नहीं होना है, सब चीज सही होगा। 70 के बाद आइए हम लोग देखते हैं 71 नंबर, 71। 71 क्या कह रहा है, एक छात्र को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से स्कूल जाने में 1.25 घंटे का समय लगता है। मतलब क्या हुआ, तो मतलब सिंपल सा ये है कि भाई 1.25 घंटा, ठीक है, ऐसा आपसे बोला हुआ है, स्कूल में घर तक की, अच्छा स्कूल से घर तक की वही दूरी 25% कम समय में तय करने के लिए उससे अपनी चाल को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। देखिएगा, दूरी वही है लेकिन उसी दूरी को 25% कम समय में तय करना है, तो चाल को कितना बढ़ाना होगा ये आपसे पूछा गया है, समझिएगा। तो पहले तो दूरी निकालना पड़ेगा, और दूरी बराबर बताओ होता क्या है, चाल गुणे समय। क्वेश्चन में चाल दे रखा है, कितना दिया है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए चाल है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है, चाल है। और समय बताओ कितना दिया है, तो 1.25 घंटा, ये आपका क्या हो गया, समय हो गया। चाल में समय से गुणा कर दोगे, ये दूरी आ जाएगा, दूरी, ये दूरी हो गया, ये क्या हो गया, दूरी हो गया। क्लियर, ये दूरी हो गया, स्कूल से घर तक की वही दूरी, मतलब दूरी तो वही रहनी है, दूरी आपका यही रहेगा, दूरी यही रहेगा, 25% कम समय, 25% कम समय में तय करने के लिए उससे अपनी चाल को कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। दूरी आपका वही है, चाल को कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, इसको आप और भी एक तरीका जिससे बना सकते थे, वो हालांकि जल्द हो जाता, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका आपका एक और है, देखिए दूरी चूंकि, देखिए ऐसा आप करेंगे ना तो थोड़ा सा क्या होगा कि थोड़ा सा आपको लगेगा भाई लंबा हो गया। इसको करने का आपको एकदम सिंपल तरीका बता देते हैं, समझिएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि दूरी फिक्स है, दूरी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका वही है, डिस्टेंस आपका फिक्स हो गया। फिक्स होने का मतलब क्या हो गया, इस क्वेश्चन में स्पष्ट बोला है कि स्कूल से घर तक, मतलब कि पहले भी वो स्कूल से घर जाता था और अभी भी वो स्कूल से घर ही आ रहा है, लेकिन समय क्या करना है, कम करना है। तो पहले भी घर से स्कूल, अभी भी घर से स्कूल,
तो घर से स्कूल की दूरी क्या हो गया, फिक्स हो गया ना। अब वो तो घर घर से स्कूल की दूरी फिक्स हो गया, अब स्कूल तो इधर उधर होगा नहीं, या फिर घर को आप इधर उधर कर नहीं सकते, वो तो फिक्स है। तो घर से स्कूल की दूरी फिक्स है, चेंज किस में कर सकते हैं आप, तो या तो आप चाल में चेंज कर सकते हैं या फिर आप समय में चेंज कर सकते हैं, दूरी फिक्स हो गया। तो यहां पर बोला है कि समय कम कर रहे हैं, कितना कम, तो 25% कम। तो आप अगर टाइम की बात कर लें, टाइम की बात कर लें, तो 25% कम का मतलब पहले लगता था 100, तो अब लग रहा है 75। 25% कम का मतलब होता है कि 100 पर 25 कम, यानी कि पहले आप मान लीजिए कि पहले लगता था 100 घंटे का समय, तो अब लग रहा है 75 घंटे का समय। काटेंगे तो 25 चौके 100, 25 तिहाई 75, मतलब समय का जो रेशियो आएगा वो आएगा 4:3 का आएगा। अब आप ये बताइए कि जब दूरी फिक्स रहता है तो समय का उल्टा चाल होता है, तो स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो स्पीड का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 3 और 4 का आ जाएगा। आपको हम पीछे बताए थे, अभी बता ही रहे हैं कि अगर समय फिक्स रहे, सॉरी दूरी अगर फिक्स रहेगा तो समय का जो रेशियो होगा उसका जस्ट अपोजिट उल्टा क्या आएगा, तो स्पीड आएगा। तो समय देखिए 4:3 है, तो इसको उल्टा किए तो स्पीड 3:4 आ गया। आपसे बोला है कि स्पीड कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो देखिए स्पीड पहले 3 था, यहाँ से जो हमने रेशियो बनाया उसके हिसाब से अगर देखें तो स्पीड पहले 3 था लेकिन अब कितना हो गया है, 4 हो गया। तो चाल यानी कि स्पीड आपको बढ़ा हुआ है, कितना परसेंट की वृद्धि हो गई ये आपसे पूछा है, तो चाल में प्रतिशत वृद्धि, चाल में प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं, तो आप तरीका सीख लीजिए। आपको हम तरीका सिखा रहे हैं कि जब भी प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालना हो, हम सबसे पहले लेंगे अंतर, क्या लेंगे, अंतर लेंगे। तो 3 और 4 के बीच कितने का अंतर, 1 का अंतर। अब आप एक बात और सीख लीजिए कि जब वृद्धि बोलेगा तो नीचे रखेंगे छोटा मान, और जब कमी निकालना हो तो नीचे रखेंगे बड़ा मान। तो चूंकि वृद्धि बोला है तो छोटा मान रखेंगे छोटा, याद रखिएगा जब वृद्धि पूछेगा निकालना हो आपको प्रतिशत वृद्धि, तो आप क्या करेंगे, छोटे मान को नीचे रखेंगे, और प्रतिशत कमी निकालना हो तो बड़े मान को नीचे रखेंगे। वृद्धि बोला है तो छोटा नीचे रहेगा, छोटा मतलब 3 नीचे रहेगा। बात प्रतिशत का है तो फिर इसमें आप क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको हल करने पर 1/3 का प्रतिशत मान 33.3 क्या आता है, 3% आता है। तो चाल को या फिर चाल में जो प्रतिशत वृद्धि होगी, चाल में प्रतिशत वृद्धि 33.33 या फिर 3% की होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपको हमने अच्छे तरीके से समझाने का भी प्रयास किया है, उम्मीद है कि आप समझ भी पाए होंगे, अच्छा आपको सीखने को भी ये मिला होगा, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर था कौन सा, ये 71 नंबर ये क्वेश्चन था जिसको हमने आपको समझा दिया। एकदम आराम से पढ़ रहे हैं, इसमें कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं, एक एक बात आपको सिखा रहे हैं, एक एक पॉइंट को समझा रहे हैं, और क्या चाहिए आपको, एकदम डिटेल में समझिए कि आपको हम एक एक पॉइंट, एक एक अर्थ, मतलब एक एक शब्द के अर्थ को हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71 के बाद से आ जाइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 72। 72 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, 72 में क्या मामला है, ठीक है, या फिर 72 नंबर क्वेश्चन आप बनाकर और कमेंट बॉक्स में उसका आप एंसर करेंगे। चलिए आपको हम 72 नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन आप जो है ट्राई करके आप हमें उसका आंसर बताएंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप आंसर जरूर हमें बताएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। और स्पीड हमने थोड़ा सा कम कर दिया है, पहले क्या था कि भाई इसके पहले जो हमने आपको क्लास लिया था उसमें हम केवल सवाल को बता रहे थे और इतना आपको लिख नहीं रहे थे, वहाँ पर केवल आपको हम बोल दे रहे थे मुझसे कि भाई हाँ ये चाल बराबर दूरी बटा समय हुआ तो हुआ, दूरी बराबर चाल बराबर समय हुआ तो हुआ। लेकिन यहाँ पर आज की क्लास में हमने थोड़ा सा चेंज किया है कि हमने लिख कर हर एक पॉइंट को समझाने की कोशिश की है, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, तो क्लास में पढ़ाते हैं तो एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को, एक एक बात को नोट भी करवाते हैं ताकि आपका नोट्स भी तैयार होते जाएं। अब यहाँ पर हमने इस वाले क्लास में, आज वाले क्लास में हमने आपको एक एक चीज को लिखने का भी प्रयास किया है और एक एक वर्ड का अर्थ समझाने का भी प्रयास किया है। तो आज थोड़ा सा हम लोगों ने क्वेश्चन कम लगाया,
अब चूंकि अगर क्वेश्चन अगर हम ज़्यादा लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा, स्पीड ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, आपको केवल हम बोल के समझा देंगे। तो वैसे करने से तो कुछ बच्चों को दिक्कत होता है जो आपको पढ़े हैं, जिनको पता है कि हाँ सवाल ऐसे बनेगा ना, लेकिन उनको शॉर्ट तरीका नहीं पता है या फिर उनको एक क्विक रीजन चाहिए, रिवीजन चाहिए, तो उन बच्चों के लिए तो ठीक है स्पीड में पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, नए हैं, अब उनको जब स्पीड में पढ़ाते हैं या फिर बोर्ड पे जब नहीं लिखते हैं तो फिर उनके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि भाई क्यों ना हम नए बच्चों के, मतलब पुराने बच्चों के साथ साथ नए बच्चों को भी ध्यान में रखें। तो अब हमने डिसाइड किया कि भाई जो भी हम बताएंगे समझाएंगे उसमें हमने, मतलब कि जैसा हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, एक एक पॉइंट को समझाते हुए उसको लिखवाते भी हैं, तो आपको हम एक एक पॉइंट को समझाएंगे लिखवाएंगे, और साथ में हमारा ये प्रयास होगा कि भाई मतलब कि ऐसा हम ऐसे तरीके से बताएं कि आपको कोई डाउट ना रहे या फिर आपको फिर से पूछने वाली कोई नौबत ना रहे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन कम होगा लेकिन जो भी होगा दमदार तरीके से एकदम क्लियर होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग कम लगाएंगे लेकिन जितना भी लगाएंगे वो अच्छे तरीके से लगाएंगे, उसमें एक एक पॉइंट को एक एक बात को सीखते हुए लगाएंगे ताकि फिर से हमें मतलब कि उसमें जो है कोई परेशानी या फिर कोई जो है किसी तरीके का कोई डाउट न रह जाए। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा रहा आप जो है कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा कि हम पहले रफ्तार में पढ़ाते थे तो वो वाला ठीक था या फिर आज हम थोड़ा सा स्लो मोशन में पढ़ाए हैं और एक एक बात को लिखने का प्रयास किए हैं, समझाने का प्रयास किए हैं, ये वाला मोशन ठीक है हमारा, मतलब कि अभी जो हम पढ़ाएं जैसे आज हम पढ़ाएं वैसे पढ़ाएं, आगे क्लास को वैसे पढ़ाएं, या फिर पहले जो हम पढ़ा रहे थे थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहे थे तो वैसे आपको पढ़ाएं, आपके ऊपर है। अगर आप में से अधिकांश बच्चों का जिस प्रकार का डिमांड आएगा उसी हिसाब से अगले क्लास को हम लोग रखने वाले हैं। चलिए आज के सेशन को बस इतना ही, ओके बाय, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, गुड नाइट, बाय बाय।